गुड मॉर्निंग बच्चों। एमसीक्यू के पोर्शन के बाद बच्चों ये अब हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनकम टैक्स में 18 मार्क्स के हमारे अगर एमसीक्यू हैं तो 42 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारा क्वेश्चन 1 जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का है और हमेशा उसी से आना है, ये बच्चों हमारा 14 मार्क्स का कंपल्सरी है, ये हमें करना ही करना है, ऑप्शनल नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन 2 to 4 जिसमें पार्ट होंगे 7-7 मार्क्स के, 4-3 मार्क्स के, ऐसे करके 14 मार्क्स के 3 और क्वेश्चन है जिसमें से हमें कोई 2 करने होते हैं। लेकिन हम यहाँ सारे डिस्कस करेंगे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर एमसीक्यू पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का है जो 14 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, जनरली इसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है वो पीजीबीपी का होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसलिए अगर हमारा पीजीबीपी स्ट्रॉन्ग है तो हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। एक बार पढ़ते हैं, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स पेबल बाय मिस्टर आकाश ए मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज 61 ईयर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो हमें टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है, इसका मतलब पहले टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी। तो बहुत ध्यान से हम बच्चों कंप्यूट करेंगे, हमारे को ट्रेडिंग P&L अकाउंट दे रखा है तो बिजनेस इनकम निकालने के लिए हमें बच्चों यही चाहिए होता है, हमारे को नेट प्रॉफिट गिवन है। पहले हम सारी एडजस्टमेंट पढ़ना चाहेंगे कि कैसे कैसे दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है बच्चों, फर्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22, जो ये हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 है इसका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 25,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, आप सीधा कह सकते हैं हमारी इनकम है 25,000 से कम लिख रखा है तो अब हम इसको ऐड कर देंगे ताकि हम अपने प्रॉफिट को सही कर सके। तो ये बच्चों ऐड होगा, इसका और कहीं कोई इफेक्ट नहीं होना। सेकेंड वन, रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड 1,000 पेड टुवर्ड्स लेट फाइलिंग ऑफ हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर सेक्शन 234F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बच्चों जो आपकी लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के कारण फीस लगती है तो वो समझो आपके लिए एक तरह की पेनल्टी है जिसको आप कंपनसेटरी नेचर का नहीं कह सकते, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ माना जाता है, डिसअलाउड है। इसने रेंट एंड रेट्स में ऊपर इंक्लूड कर रखा है, मतलब खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से घटा रखा है लेकिन अलाउड नहीं है, तो हम इसको रिटर्न ऐड करेंगे। थर्ड वन, सैलरीज इंक्लूड 15,000 पेड ऑन सिंगल डे बाय वे ऑफ कैश टू हिज अकाउंटेंट। अगर आप कैश में सैलरी पे कर रहे हैं 15,000 रुपए एक दिन में अपने अकाउंटेंट को ना, इन्होंने सैलरी पे कर दी एक दिन में 15,000 कैश, तो 10,000 से ऊपर की पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपने अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और जो प्रेस्क्राइब मोड है उससे पेमेंट नहीं की तो डिसअलाउड, सैलरी में इंक्लूड है मतलब ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस हुआ है तो हम बच्चों वापसी ऐड कर देंगे। 48(3) है बच्चों हमारा सेक्शन, पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाता है अगर 10,000 से ऊपर अमाउंट हो तो। डी पॉइंट है बच्चों, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ऑफ ₹10 लाख टेकन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। काफी अच्छा पॉइंट है, ये कह रहा है कि हमने ना लोन ले रखा है बैंक से 10 लाख रुपए का, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, आउट ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पज एंड बैलेंस वॉज यूज फॉर बिजनेस पर्पज, नो TDS वॉज डिडक्टेड वाइल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों जब मैं ऊपर इसका ट्रेडिंग P&L देख रहा था तो मैंने देखा था इसकी सेल 3 करोड़ से ज्यादा है, और अगर मैं नीचे इंफॉर्मेशन में देखूं तो यहां पर भी बता रखा है कि इसकी, क्योंकि हमें चाहिए तो 2021 की प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर की, वो भी 3.8 करोड़ थी, तो मतलब ये पर्सन ऑडिट कराने के लिए लायबल है 44AB के अकॉर्डिंग, और प्लस इसने ये जो पेमेंट किया ना इंटरेस्ट पे किया है तो इसके ऊपर इसको TDS काटना था, इसने बिना TDS काटे पेमेंट कर दी। कह रहा है नो TDS वाज डिडक्टेड व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें समझना पता क्या है बच्चों, क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ इंक्लूड कर रहा है, आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, उसका आपने इंटरेस्ट पे किया,
जिसमें से 2 लाख का लोन पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो 2 लाख का इंटरेस्ट तो पूरा ही डिसअल आउट हो जाएगा। जो बाकी 8 लाख का लोन का इंटरेस्ट जो बिजनेस के लिए लोन ले रखा है उसके ऊपर अप्लाई होगा सेक्शन 40A1A। क्यों आपने बिना DDS काटे पेमेंट कर रखी है तो खर्चे का 30% बच्चों डिसअलाउड हो जाएगा। यही इंटरेस्ट अगर इंडिया के बाहर पे किया होता तो 100% डिसअलाउड होता 40A1 के अकॉर्डिंग। अब क्या लग रहा है 40A1A, तो हम इसको कंप्यूट करके दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, एन अमाउंट ऑफ 45,000 वाज पेड बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग हिमसेल्फ हिज स्पाउस एंड हिज चिल्ड्रन। आप यहां देखो बच्चों, कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे रखा, मतलब प्रॉफिट निकालते बार इसको लेस नहीं कर रखा तो वापसी ऐड नहीं होगा, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। पीजीबीपी की इनकम निकालते बार कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वहां कुछ हुआ नहीं हुआ और अलाउड भी नहीं है। लेकिन बच्चों इसी सेम की 80D की डिडक्शन मिलती है। हमने इनिशियल में पहली लाइन में पढ़ा कि ये पर्सन 61 ईयर्स ओल्ड है, मतलब ये पर्सन एक सीनियर सिटीजन है। अगर ये पर्सन सीनियर सिटीजन है तो जो लिमिट है वो 50,000 हो जाती है 80D के अंडर, वैसे 25,000 रहती है। तो यहां 45,000 पूरे की 80D की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। इसके बाद बच्चों इसने कहा है जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 20,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट इन 7 ईयर पब्लिश्ड बाय लोकल पॉलिटिकल पार्टी। तो बच्चों पहले मैं समझाता हूं, जो 20,000 इसने एडवर्टाइजमेंट कराई है ना पॉलिटिकल पार्टी के 7 ईयर में, तो सेक्शन 37(2)(b) पीजीबीपी का वो इसको प्योरली डिसअलाउड करता है। हालांकि एक सेक्शन है 80GGC जो ये कहता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। इसने यहाँ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं कही। हमारे यहाँ ना बच्चों नियर अबाउट 2,500 से 3,000 पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, 2,500 से 3,000 के बीच में, जिसमें से 8 पार्टी ही नेशनल लेवल की है और 54 स्टेट, बाकी सारी की सारी जो पार्टी है वो अनरिकॉग्नाइज है। तो अगर आप मेरे को कहेंगे लोकल पॉलिटिकल पार्टी तो आपको नहीं देगी गवर्नमेंट डिडक्शन, क्योंकि पता नहीं कितनी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है। जब तक वो रजिस्टर नहीं कहता 80GGC की सी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। पीजीबीपी में तो वापिस ही ऐड होना है, वहां तो इसका कुछ और होने से रहा। और इसके बाद बच्चों कह रहा है इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड 2000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट। बच्चों मैं समझाता हूं, ये जो इनकम टैक्स रिफंड है ना, ये आपकी इनकम नहीं होती क्योंकि इनकम टैक्स आपका अलाउड खर्चा नहीं, तो ये लेस होगा। कहते हैं इस 18,000 रुपए में ना 2,000 रुपए इनकम टैक्स रिफंड में इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो वो जो 2,000 है ना वो अदर सोर्सेस की इनकम बन जाता है बच्चों, तो ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। और इससे नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज इज एज पर इनकम टैक्स रूल्स, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन ए न्यू मारुति वैन परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 23rd September 2021 फॉर हिज बिजनेस यूज। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 2,10,000। बच्चों कार के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 15% होता है। ये जो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ये कह रहा है ये एज पर इनकम टैक्स रूल्स है, मतलब ये तो अलाउड है लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं किया। एक इसने कार खरीदी थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, कार कब खरीदी है 23 सितंबर 2021 को बच्चों, पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा है तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं लेस किया हुआ, तो अब कर देंगे 15% से बच्चों, ये लेस होगा बिजनेस इनकम निकालते बार। इसके बाद कह रहा है एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 15 लाख। एक बार देखो बच्चों, देखते हैं ऊपर क्या P&L में एडवांस टैक्स पेड लिख रखा है, नहीं तो इसका कुछ भी नहीं होना। तो क्वेश्चन आता फिर क्या होना है, जो हमारा टैक्स पेबल आएगा ना जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें से ये समझो कि 15 लाख रुपए हमने पहले से गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। टर्नओवर आपको 2021 की सिर्फ TDS के चक्कर में बताई थी इसने 3,08,00,000, क्योंकि DDS के चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं जैसे इंटरेस्ट किसी को प्रोफेशनल फीस, तो हम DDS काटने के लिए तभी लायबल होते हैं जब हम 44AB में आते हैं प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। और इसके जस्ट बाद बच्चों, टैक्स
has been deducted at source on income wherever applicable. कहता है जहां जहां टीडीएस था वहां कटा है, वो जहां नहीं कटा उसने बता दिया था, चाहे हमारा कोई खर्चा है या हमें कोई इनकम आ रही है. मिस्टर आकाश डज नॉट वांट टू ओप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएसी. अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में करना होता है, लेकिन एक लास्ट चीज पढ़कर हम चलेंगे क्योंकि हमने सब क्वेश्चन में नोट डाउन कर लिया है. देखो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक परचेस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट इनवर्ट बिजनेस के अलाउड खर्चे हैं, सेल क्लोजिंग स्टॉक ओके है, जो एडजस्टमेंट में है वो हमने कंसीडर कर लिया, सैलरी एंड वेजेस ओके, जनरल एक्सपेंसेस ओके, रेट्स एंड टैक्सेस ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी. बच्चों अगर इंटरेस्ट लगता है ना लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी पे, अलाउड एक्सपेंस है, कंपनसेटरी नेचर का है, पेनल्टी लगेगी, लेट फी लगेगी, वो डिस अलाउड हो जाएगी. पेनल्टी दो तरह से होती है, पेनल्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, पेनल्टी ऑफ कंपनसेटरी नेचर. कंपनसेटरी नेचर की तो अलाउड है, जब गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट ले रही है तो वहां माना जाता है, यहाँ क्या है पेनल्टी, कंपनसेटरी नेचर की है तो वो इंटरेस्ट अलाउड होता है. इनकम टैक्स पेड डिस अलाउड, मैं कहूंगा ये वापसी ऐड करो. इंटरेस्ट पेड का हमने सीख लिया. डेप्रिसिएशन अलाउड है, मतलब डेबिट साइड ओके, सिर्फ यही एक अमाउंट है जिसको वापसी ऐड करना है एडजस्टमेंट के अलावा. ग्रोस प्रॉफिट ओके, डिविडेंड बच्चों लेस होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी लेस होगा, ये साथ के साथ ना अदर सोर्सेस की इनकम बनेंगी और इसका तो ग्रोस अप भी होगा बच्चों. ये जो 1,08,000 है नेट ऑफ टैक्स, इसके अलावा रेंट रिसीव्ड दे रखा है, हाउस ऑफेंटी की इनकम यहाँ लेस होगा और इनकम टैक्स रिफंड लेस. तो अभी एक बार करते हैं बच्चों, हम लोग ना अगर हेडवाइज चले तो पहले हाउस ऑफेंटी आएगा हमारा, फिर पीजीबीपी और फिर अदर सोर्सेज. और किसी हेड की इनकम नहीं दे रखी हमने, सारा पढ़ लिया है. तो हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस ऑफेंटी, इसको जो रेंट रिसीव्ड हुआ है ना बच्चों, वो ग्रोस एनुअल वैल्यू है. ये बच्चों 7,20,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर नहीं है बच्चों, तो यही एनएवी बन गई. इसमें से लेस करेंगे बच्चों डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो लेस होनी होनी है, 30% ऑफ एनएवी. बच्चों मैंने किया 2,16,000, इसमें से लेस 5,04,000. ये बच्चों आ गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस ऑफेंटी, तो ये बच्चों हम ए लिख देंगे. अब आ जाओ आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम. हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, छोट में आप बोल सकते हो पीजीबीपी. सबसे पहले स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर सारी एडजस्टमेंट करनी है, हमने सब जगह लिख लिया था सब कुछ. ये है बच्चों 75,43,815. अब बच्चों ऐड और लेस, जैसे जैसे एडजस्टमेंट दे रखी है साथ साथ करते जाएंगे. पहले बच्चों हम एडजस्टमेंट करेंगे, जिनके दो इफेक्ट होंगे वो हम ध्यान रखेंगे कि इसका दूसरा है, बाकी टिक करते जाएंगे. जैसे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इनकम होती है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना होता है, 25,000 कम लिख रखा है, वापिस ऐड अंडर वैल्युएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 25,000. सेकेंड बच्चों रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड 1,000 पेड टुवर्ड्स लेट फाइलिंग ऑफ हिज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर सेक्शन 234F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. अब रेट्स एंड टैक्सेस में कह रहा है 1,000 रुपए इंक्लूड हैं जो इसने लेट फाइलिंग के पे कर रखे हैं, तो हमने डिस्कस कर लिया था पेनल्टी है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, वापसी ऐड करेंगे. तो बच्चों लिखते हैं लेट फीस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. बच्चों तो ये सेकंड भी हो गया, इसका और कोई इफेक्ट नहीं है. थर्ड वन बच्चों सैलरी इंक्लूड 15,000 पेड ऑन सिंगल डे बाय वे ऑफ कैश तो वापसी ऐड. यहां लिख देंगे सैलरी पेड इन कैश. आपको सेक्शन तभी मेंशन करना है जब आपको पूरी तरह से याद है, अदरवाइज नो नीड बच्चों, गलत नहीं करना. 43 के अकॉर्डिंग डिस अलाउड. फोर्थ है बच्चों इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 10 लाख टेकन फ्रॉम ए एनबीएफसी, जिसमें से 2,00,000 रुपए तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है, उसका इंटरेस्ट तो अलाउड ही नहीं होगा.
बाकी जो 8 लाख है उसके ऊपर 40A1 है, क्यों? क्योंकि इसने टीडीएस नहीं काटा। एक बार ध्यान देना बच्चों, ये टोटल इंटरेस्ट है 1,20,000, 10 लाख के ऊपर मैं कहूंगा 12% हो गया, और 2 लाख का 12% डिसअलाउड। आप जैसे मर्जी कर सकते हो प्रोपोर्शनेट, यहां आप लिखेंगे इंटरेस्ट पेड टू NBFC, यहां पहले लिखो फॉर पर्सनल यूज। आपका 2 लाख का लोन है 10 लाख में से, और इंटरेस्ट है 120, आप सीधा 12% भी कर सकते हो बच्चों, 24,000। अब ये हमारा पर्सनल के कारण डिसअलाउड हुआ, और बिजनेस यूज वाले के ऊपर क्या प्रॉब्लम आई कि हमने टीडीएस नहीं काटा। तो आप लिखेंगे अंडर सेक्शन 40A1A, अमाउंट अगर मैं बात करूं तो 8 लाख अपॉन 10 लाख, पहले उस प्रपोर्शन का निकाल रहा हूं। अगर मैं सीधा 12% कहूं 8 लाख का तो 96,000, और उसका कितना डिसअलाउड 30% बच्चों, 28,800। तो ये बच्चों हमारा इंटरेस्ट का पॉइंट हो गया। अभी इन चारों के कोई और फर्दर इफेक्ट नहीं थे। अब जैसे ई पॉइंट है, इसको मैं छोड़ दूंगा, क्यों? ATD की डिडक्शन मिलनी है, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पर इसका कुछ भी नहीं होना। इसके बाद बच्चों एफ पॉइंट यहीं का है, क्योंकि ATGGC के लिए एलिजिबल नहीं है, और 37(2)(b) के अकॉर्डिंग पोर्टिकल पार्टी के 7 ईयर में अगर हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो बिजनेस का खर्चा भी नहीं है, तो वापसी है। एडवर्टाइजमेंट इन 7 ईयर ऑफ पोलिटिकल पार्टी, अगर आपको सेक्शन याद रहे तो लिख लेना बच्चों, अंडर सेक्शन 37(2)(b), 20,000 बच्चों, और GGC की डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो नोट में लिख देंगे। इसके बाद इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड ने तो लेस होना है, पहले ही कर देते हैं। ये जो इंटरेस्ट है अभी हम इसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अदर सोर्सेज की इनकम है, हमें ध्यान रहेगा, ये रिफंड जरूर लेस कर देते हैं हम, इसका ओके हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड साथ के साथ रेंट रिसीव्ड भी हमने ओके कर रखा है, तो यहां से लेस करना था, वो कर देते हैं बच्चों। अमाउंट है बच्चों 18,000, 7,20,000, ये बच्चों हमारे दोनों हो गए। इसे नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, जो चार्ज किया है ना वो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग है, वहां हमने टिक कर रखा है, उसका कुछ नहीं करना। लेकिन ये जो कार खरीदी है ना, इसके ऊपर 15% लगाना है। अब ये है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे नहीं मिलता, तो हमने 2,10,000 का 15% किया बस डेप्रिसिएशन ऑन कार, 2,10,000 बच्चों 15%, 31,500 बस बच्चों, इस पॉइंट का और कुछ भी नहीं है। एडवांस टैक्स पेड इसका भी बाद में यूज होगा, इसलिए इसके आगे टिक नहीं लगा रहा। टर्नओवर ये तो हो गया यूज इसका, और टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम वेयर एवर एप्लीकेबल, वो कटे हुए हैं, तो ये हो गया। अब सिर्फ हमें क्या करना है जो उसके अंदर लिखा है, क्योंकि ये जो एडवांस टैक्स है ये टैक्स लाइबिलिटी के बाद यूज होगा, 2,000 अदर सोर्सेस में आएगा, और वो ATD की डिडक्शन मिलेगी। तो इसलिए आप सिर्फ अभी बिजनेस इनकम पे आओ, तो मैंने पहले ही सारा कंप्यूट कर लिया था, तो यहां सिर्फ क्या रह गया, एक तो इनकम टैक्स पेड 3,45,000 एड, इसके अलावा बच्चों ये दो लेस करने हैं, और अभी अदर सोर्सेस में लिख भी देंगे, इसलिए टिक नहीं लगा रहा। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी लेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FD लेस, ये दोनों क्योंकि ऐड हुए हुए हैं और इस हेड की इनकम नहीं है, तो हमने दोनों लेस कर दिए। ये बच्चों 17,20,000, 1,08,000, आप यूं समझो बच्चों PGBP के पॉइंट ऑफ व्यू से सब हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमें ऐड लेस करना है। तो हमने बच्चों पहले ऐड वाली आइटम्स का टोटल किया, ये बच्चों 4,58,800 हमने यहाँ ऐड कर दिया, टोटल बच्चों 80,02,615। अब एक बार लेस वाली आइटम्स का हमने टोटल किया, अब यूं समझो ना बच्चों AOI कितना इंपॉर्टेंट है, 14 मार्क्स का होने के बाद सिर्फ 28 मार्क्स का बच जाता है, और PGBP का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो समझो PGBP मार्क्स ने हमें कितना बड़ा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। बच्चों ये टोटल है 25,97,500, ये हमने यहां से लेस कर दिया, ये हमारा आ रहा है 54,05,115, दैट इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस।
ये हमने बच्चों बी लिख दिया। अब हम क्योंकि पहले ही लिख के आए हुए हैं कि अदर सोर्सेस की कौन कौन सी इनकम है, तो उनको लिखेंगे। तो ये हमने थर्ड पॉइंट बनाया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक तो बच्चों ये दोनों इनकम, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, ग्रोस ही आई, ये नहीं है कि इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटा होगा, हमें ग्रोस अमाउंट दे रहा है तो हम ग्रोस लिख देंगे। और ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी है, ये नेट दे रखा है तो हम इसको ग्रोस करेंगे। तो हमने यही किया, डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी को हम ग्रोस करके दिखाएंगे। बच्चों 17,20,000, 1,08,000, 100/90, 1,20,000। अब ये बच्चों ये वाला पॉइंट भी मैंने टिक कर दिया जो मेरा रहता था। ऐसे करके हम चेकआउट कर सकते हैं ना, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इनकम टैक्स रिफंड पे, तो ऐड करो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। ये बच्चों 18,42,000, ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस इन तीनों को ऐड करना है, जीटीआई आ जाएगी। अब बच्चों हम तीनों हेड की इनकम को ऐड कर देंगे, ऐड करके जो आएगा डेट इज कॉल्ड ग्रोस टोटल इनकम। हम तो ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे क्योंकि हमने उसे डिनोट कर रखा है। ऐसे आप लिख देंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बच्चों इनकम का टोटल कर रहा हूं एक तरह से, तीनों हेड की टोटल इनकम कहूंगा 77,51,115। अब इसमें से क्या लेस करेंगे बच्चों, डिडक्शन। हमने एक को अनटिक कर रखा है, अंडर सेक्शन 80C-80U होता है, लेकिन हमारी सिर्फ 80D की है, जो इसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने लिए, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है इसलिए 50,000 की लिमिट का बेनिफिट मिल रहा है। और प्रीमियम पे कितना का रखा है, 45,000 पूरे की मिल जाएगी, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ओन फैमिली भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पेरेंट्स की होती तो उनकी अलग से मिलती है। तो ये बच्चों 80GGC बनती नहीं है, वो नोट लिखेंगे। तो ये हमने लेस कर दिया इसमें से, ये बच्चों आ गई हमारी टोटल इनकम। सिर्फ टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स। टोटल इनकम है तो बच्चों सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे 10 के मल्टीपल में, लास्ट डिजिट 5 है, 5 या 5 से ज्यादा हो तो नेक्स्ट 10 का मल्टीपल, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब आपको अगेन सेक्शन याद हो तो सेक्शन का रेफरेंस देना, अदरवाइज नॉर्मल वे में लिखना, टोटल इनकम राउंडेड हो। वैसे अगर बात करूं तो अंडर सेक्शन 288A 77,06,120 बच्चों टोटल इनकम के बाद बच्चों हमें टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगना है 10% से। मार्जिनल रिलीफ बननी नहीं है, क्यों, क्योंकि 51 या 52 लाख इनकम नहीं है बल्कि 77 लाख है, बहुत आगे हो गई। और कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जिसके ऊपर फ्लैट रेट से टैक्स लगे, स्लैब रेट लगना है, सीनियर सिटीजन है तो हम कहेंगे टैक्स पेएबल अप टू ₹3,00,000 मिल। आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे में, मैं कहूंगा नेक्स्ट 2 लाख, क्योंकि 3 लाख 1-5 लाख 5% बच्चों, नेक्स्ट 5 लाख 20%, और इससे ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर बच्चों 30%। अगर मैं इसमें से 10 लाख लेस कर दूं तो 67,06,120 और एट द रेट ऑफ 30% बच्चों 20,11,836 हमने टोटल किया, 21,21,836। इसके ऊपर बच्चों सरचार्ज 10% से, क्यों, क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 2,12,184 183.60 आ रहा है बच्चों। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया 23,34,020। इसमें बच्चों हमने ऐड किया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% बच्चों 93,361। ये बच्चों आ रहा है हमारा 24,27,381। दैट इज योर ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी। बच्चों जब ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है ना, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, ये जो एडवांस टैक्स पेड है उसको लेस करें।
गवर्नमेंट आपसे दो दो बार टैक्स थोड़ा लेगी, एडवांस टैक्स जो लिया है क्रेडिट मिलेगा, प्लस जो आपके टीडीएस कटे हुए हैं आपकी इनकम में से, किस इनकम में से टीडीएस कटा होगा? मैंने कहा ये डिविडेंड इनकम में से, मैंने कहा ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ इसमें से, 194 194 ए के अकॉर्डिंग यहाँ 12,000 और इसका अगर मैं 10% करूं ग्रोस का तो 1,72,000, ये दोनों लेस होंगे बच्चों। आप सेक्शन मेंशन मत करो, सिर्फ टीडीएस की बात करो, याद हो तो मेंशन कर दो, पता है 10% से टीडीएस कटता है, तो हमने यही लिखा लेस एडवांस टैक्स पेड 15 लाख टीडीएस ऑन डिविडेंड इनकम ₹1,72,000 17,20,000 है ना बच्चों, और जो इंटरेस्ट की इनकम है उसके ऊपर टीडीएस अभी हमने ग्रोस अप किया था 1,08,000 100/90 120 120 का 10% 12,000। बस बच्चों अब आपका काम है इसको लेस करना, नेट टैक्स लाइबिलिटी और नेट टैक्स लाइबिलिटी राउंडेड होगी 10 के मल्टीपल में। ये बच्चों हमारा अमाउंट आ रहा है 7,43,381 और हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, टैक्स लाइबिलिटी राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 7,43,380। ये रहा बच्चों आपका आंसर टैक्स पेबल का, ये आपकी ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी का और ये आपकी जीटीआई और टोटल इनकम का। आप आसानी से देख सकते हो गया क्वेश्चन। अब ये 14 मार्क्स की वेटेज है तो बच्चों इसके ऊपर पूरा पूरा एफर्ट लगाएंगे। बाय बच्चों।